व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रचित फ्रॉम रचित यूजफुल टिप। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू क्वालिफाई योर सेल्फ इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी जब आपके कैंपस प्लेसमेंट में आती है तो उनका फर्स्ट राउंड मोस्ट ऑफ द कंपनी का ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें से वो जो बच्चे थोड़ी नॉर्मल से एवरेज इंग्लिश बोल लेते हैं, जिनकी वोकैबुलरी एवरेज है, उनको छाट सके। तो ग्रुप डिस्कशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं मोस्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन में, लिविंग सब एक्सेप्शन। कुछ ग्रुप डिस्कशन में आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है, पर मोस्ट ऑफ द में आपकी इंग्लिश, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी वोकैबरी, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी चेक की जाती है। तो मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ कि GD कैसे क्लियर की जाए। तो देखिए, GD का बेसिक रूल क्या है ना, आप जैसे ही GD स्टार्ट हो, आपको पूरी GD इंग्लिश में ही देनी है। अगर आपसे आपका वहाँ पे जो भी HR बैठा है बोलता है तो इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश, अगर मिक्स बोला तो आप मिक्स भी दे सकते हैं, या फिर हिंदी में बोला तो हिंदी। मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में GD यूज होती है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको GD स्टार्ट कर देनी है। आप कोशिश करिए कि GD जैसे ही आपको टॉपिक मिले, यू आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एन डिस्कशन। और आप अपने जितने पॉइंट्स आपके पास वैलिड है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब GD स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहले वाला आदमी बोलने वाला होता है ना, उसको थोड़ा ध्यान से सुना जाता है, और जो रिक्रूटर होता है वो भी उस पर बहुत ध्यान देता है क्योंकि उसने स्टार्ट किया होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने पॉइंट्स सबके सब रख दीजिए, जितने भी आपके पॉइंट्स उससे रिलेटेड आप जानते हैं उसको रख दीजिए। जैसे ही आप हल्का सा स्पेस देंगे, आप नोटिस करेंगे कि सामने वाला जो भी आपके ग्रुप में है वो आपको, वो भी अपने पॉइंट्स रखना शुरू कर देना है। एक बार आपने अपने कोशिश फर्स्ट चीज़ यही करिए कि आप अपने जितने पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है सबके सब रख दीजिए ग्रुप के सामने, और मेक श्योर करिए आप इतना लाउड बोलिए, इतना क्लियर बोलिए कि आज जितने भी ग्रुप में लोग बैठे हैं वो आपको सुने, जब आप बोले तो वो सब सुने, और रिक्रूटर भी सुने, रिक्रूटर का भी ध्यान दे कि आपको सब लोग सोच रहे हैं, आपको मतलब एक तरीके से लीड करना है इस चीज़ को, ग्रुप डिस्कशन को ऐसे आपको करना है। और प्लस जब आपके पॉइंट्स ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आपको करना क्या है कि जो जैसे आपके पॉइंट्स ख़त्म हो गए तो आपको ना सिंक्रोनाइज करना है अपने ग्रुप डिस्कशन को, दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रुप। आप सिर्फ ऐसे नहीं कि अपना पॉइंट्स रख के रुक गए, आपको ये करना है कि मैं दूसरों के भी पॉइंट्स सुन रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा ना, जैसे इनकेस कोई पॉइंट रखता है आप उसको काट सकें, तो आप बोलिए आई डिसएग्री विद यू, उसके खिलाफ अपना पॉइंट रख दीजिए, उसके खिलाफ अपना फैक्ट्स रख दीजिए। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, अगर आप किसी की बात को काट पाते हैं तो रिक्रूटर का क्या लगता है कि ही इज़ इनटू GD और इसके पास नॉलेज है, तभी ये सामने वाले को काट पा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को काट पाएंगे, अपने पॉइंट्स रख पाएंगे और अपनी बातों पर स्टिक रह पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस है GD रखने की। मैंने काफ़ी सारे GDs दिए हैं ग्रुप डिसीजन, और मैं मैक्सिमम में सेलेक्ट हुआ हूँ इसी चीज़ को फॉलो करके। सो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप अपने पॉइंट्स रख लीजिए सबके सब, और उसके बाद कोशिश करिए कि जो सामने वाले पॉइंट्स उसको आप काट सकें, नहीं काट सके तो उसमें आप बढ़ा के आप कहते हैं आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू दिस, आई टोटली अग्री विद यू एंड आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू दिस पॉइंट। तो ये भी आप कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। आपको ऐसे दिखाना है कि आप GD से अलग नहीं हो गए, GD में आप घुले मुले हैं, अपने पॉइंट्स रखने के बावजूद भी आप दूसरों के पॉइंट्स सुन रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं पॉइंट्स, उसमें घटा रहे हैं पॉइंट्स। ये चीज़ आपको रिक्रूटर के सामने प्रूव करनी है। मोस्टली GD इंग्लिश में होते हैं, आपको फ्लुएंट बोलना है, आपको मेक श्योर करना है जब आप बोलें तो पूरा ग्रुप सुने, ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं सामने से एक और आदमी बोल ले रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप बोलें तो सब लोग सुने। आप थोड़ा सा वर्ड आपको लाउड करनी पड़े, आप थोड़ा लाउड कर दीजिएगा, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं, और सम GDs में वो आपकी नॉलेज भी चेक करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। दिस इज रचित फ्रॉम रचित यूजफुल टिप्स। थैंक यू।